अब 10 दिसंबर 2016 है। हम एक एक चीज़ों की गतिविधियों के बारे में दिखाते हैं कि देखो असली हनुमान पूजा क्या है। अरे हम पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहते हैं कि असली पूजा क्या है हनुमान जी की। तो वही मैं अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब ये कोमा में चल रहे हैं। आज शनिवार है, ये पिछले शनिवार को आए थे प्रगतिपुरम से, लोग लेके आए और कौन गोरक्षा संगठन वाले, उसके बाद से वो दिखाई नहीं। बड़ा अफसोस होता है कि लोग ये पूरे रायबरेली के दिमाग में एक मानसिकता भर गई है, कोई चीज़ देखो बस श्याम साधु। अरे मूर्खो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्याम साधु कोई सरकार से पैसा लाता है या आप हमको पैसा देते हैं? तो हमको पैसा भी हमारी बेटियाँ सब कर रही हैं। अभी आपने देखा सुबह से शाम तक ये किला ये कोमा में चल रहा है। 11,000 वोल्ट से ये जल गया था। 11,000 वोल्ट लेटे लेटे टट्टी करते हैं, वोल्ट पूरी बदलो, अंदर करो बाहर करो, दिन भर में 200 प्रकार की दवाइयाँ हैं और थोड़ा करीब 200 प्रकार की दवाइयाँ हैं वो लाओ। ये कोमा में चल रहा है, कहीं उल्टी कर रहे हैं, कहीं पतली टट्टी कर रहे हैं, मतलब पूरे शरीर का सिस्टम 11,000 वोल्ट जिसमें आदमी राख हो जाता है। ये पता नहीं कैसे बच गया, इसको करीब से देखिए, इनको हम बैठा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं क्या हालत, ये देखिए, देख रहे हैं कोमा में चल रहे हैं, लेटे लेटे टट्टी, लेटे लेटे वो दूध थोड़ा बहुत, ये दवाई टॉनिक हम इनको लिए लाए हैं, ग्लूकोज अस्पताल में चढ़वाए हैं। एक नमूना मैंने आपको दिखाया कि सुबह से रात हो जाती है। अभी दूसरे साहब जो हैं अभी चल के हम आपको दिखा देते हैं, वो पीछे आग जला के उनको वहाँ रखा गया, अभी अभी आपको दिखाएंगे। अब इनकी हालत देख रहे हैं, इससे बढ़ के कोई हनुमान सेवा हो, हमें पूरे हिंदुस्तान के सारे मंदिर के पुजारी और जितने हनुमान भक्त हो मुझे बताओ, तो हमारे रत्नेश्वर सिंह 1 करोड़ रुपये आपको देंगे। सिद्ध करना पड़ेगा, पत्थर की मूरत तो हनुमान हो गए, जो हमने आपने मूरत बनाई है पत्थर की वो हनुमान हो गए, ये कौन है? यही अभय दाता है। पत्थर की हम पूजा करते हैं और सजीव की हम देखभाल, बस श्याम साधु। अरे यहाँ लाइन लगाओ, मंदिर में मत जाओ, यहाँ आओ, यहाँ सेवा कराओ। कम से कम इस वक्त हम जाके बंदर भोज करा, रोजाना हमारा बंदर भोज चलता है, 2 बंदर मेरे घर में एडमिट है। 1 महीना पहले भी नंदी रहा, वो तो गया किसी तरह से। सुबह से रात हो जाती है, हजारों रुपया लगाओ, जीवन इसी में बीत गया। 1 फूटी कौड़ी आज तक, 1 फूटी कौड़ी जो है हम न सरकार से लिए न किसी आदमी से मांगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत अपनी सहायता कर देते हैं, वो सहायता कर देते हैं और उसी से अपना वो होता है। आप इनकी कंडीशन देख रहे हैं, जरा इनका करीब से बनाइए, करीब से यह देखिए, उनका मतलब कि हमको लेटा दो, देख रहे हैं इसकी हालत। ये तो कहिए इतना इनको ग्लूकोज चढ़वाएं, तरह तरह की टॉनिक दे रहे हैं, बड़ा महंगा से महंगा इलाज इनका चल रहा है, तब इनकी आप जान इस हालत में देख रहे हैं। अब चलिए आपको 1 मिनट के लिए पीछे दिखा दे, आइए देख क्या देखो, सारा पेड़ पौधा जितना सब देख रहे हैं सब अकेले का है। यहाँ देखो यही तरह तरह के फल फूल दिखाओ, एक आदमी कोई कोई कहीं हो दुनिया में जो अकेले दम से, इधर देखो बेटा अकेले दम से इतना सारा काम किया हो पार, और इससे फूटी कौड़ी आज तक नहीं मिला। करोड़ों रुपये लोग कमाते हैं, कोई बाबा है, कोई महात्मा है, कोई वगैरह वगैरह वगैरह,
अरबों रुपए कमाते हैं, इसलिए हमने मोदी को भगवान क्यों माना है? मोदी को क्यों माना है? मोदी से बड़ा त्यागी, मोदी से बड़ा वो समझिए इतना बड़ा काम करने वाला, इतना कलेजे वाला आदमी, इतना बड़ा धमाका उसने किया, उसके लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए। इसलिए मैं मोदी को भगवान मानता हूँ। और ये विज्ञान के योग है, एक गिलास पानी एक रुपए, अगर मोदी जी का मैंने लिया हो जांच करवा दो, अगर मैं फेल हो जाऊं तो हम सारी संपत्ति उसको दे देंगे। चलिए आइए हम दिखा में ये हनुमान जी की जो असली पूजा है, हनुमान जी की महापूजा असली पूजा। देख रहे हैं ये, अभी बेटी सुबह इनके रोज आग जलाती है, अंजलि हमारी बेटी अभी 4 दिन में बनारस जाएगी, उनके हस्बैंड एयर इंडिया में है, अब वहाँ जाएगी, अब वो वहाँ जाएगी तो फिर हमको और भी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। जितने हनुमान भक्त जितने हैं ना, अपने मुंह में थप्पड़ मारो, यही हनुमान पत्थर की तुम सेवा करते हो, न उखाता है न पीता है न लेता है, और वहाँ लाइन लगाते हैं, शर्म करो जरा। हाँ चले आओ, हम मंदिर जाने की क्रिया नहीं रोक रहे, मंदिर जाने की हमारी कोई रोक नहीं, लेकिन मंदिर यही है सेवा परमो धर्म, इस हाथ में दिखा दो भाई मर रहे हैं बगल, देख रहे हैं ये समझ रहे हैं उस पार, उर्जा 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 भाई उर्जा उर्जा, देखिए आग जला है उसी में ये घुस के लेते हैं, जरा बैठ जाओ भैया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे भैया हमको न चलवाओ भाई, ये कमर से बच्चा है ये, चलो आइए तो कहने का मतलब हमने आपको ये मिसाल दी थी कि तरह तरह के पेड़, कहीं बैर लगा कहीं चमेली लगी कहीं वो लगा, कहीं आइए कमर देखिए, देखा एक आदमी जिसने पर्यावरण पशु सेवा पर इतना काम किया हो उसको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, समझ गए हम, ये कोई आत्म प्रशंसा नहीं है, ये अंधे समाज की मैं आंखें खोल रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, जितने नेता अभिनेता महात्मा साधु संत ये देखें सीखें कि एक आदमी ने पूरी बचपन से मैं काम कर रहा हूँ, देखिए ये सिंगापुरी कमरख लगा हुआ है, अभी बच्चे हैं ये, बसंत पंचमी में पकेगा सब, आइए इधर आइए अंजीर देखिए, एक से एक महंगे से महंगे फल हैं, 300-400 रुपए किलो बिकता है अंजीर आपका हो गया, देख रहे हैं आप अंजीर हो गया, तरह तरह के पेड़ पौधे ऊपर दिखाइए वो नारियल लगे हैं सब, देख रहे हैं सब, बस तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, इसको देखिए समझिए और यहाँ चले आइए श्याम साधु रायबरेली से मैं बोल रहा हूँ, एक यहाँ का कोई सांसद हो कोई हो, अरे कम से कम ऐसे जानवरों के लिए अरे कुछ तो यहाँ रायबरेली करो, VIP के नाम लेते हो, लोग जयकारा लगाते हो, फलानी जिंदाबाद, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो जा करके, हमारी कंडीशन देखो, रायबरेली की कंडीशन देखो, और रायबरेली की जरा सड़क की हाल देख लो, इतनी ख़राब सड़क हमारी ज़िंदगी में नहीं थी, कचहरी रोड पर मैं रहता हूँ, सड़क के किनारे नाला ऊँचा कर दिया गया बेकार में, अब उसे सड़क की चौबान और ख़त्म हो गई, क्यों उसको किया गया, अरे वहाँ पंपी डाल के उसको बराबर करो, आबादी तो कम से कम लोगों को ट्रैफिक तो जाम ना हो, वो दुर्दशा है, लेकिन मारे हमारी अंधी जनता कोई नहीं बोलने को तैयार, सब ठोकर खा रहे हैं गिर रहे हैं मर रहे हैं, इतनी सड़कें ख़राब हैं डिग्री काले चौराहे से और बरगद चौराहे तक मैंने मांग उठाई थी कि उसको तत्काल मरम्मत कर दो पेंदा लगा दो, वो भी नहीं हुआ, क्या बात करते हैं, जिसको देखो वोट दे दो खाली, वोट चाहिए बस, नेता हमको मान लो बस, गरीब के गरीबों के मसीहा सब बनते हैं, गरीबों के मसीहा बनना है ना, मोदी से सीखो जाके, मोदी के चरणों में गिरो, मोदी के त्याग को देखो, अब फिर मैं चैलेंज करता हूँ कि 1 रुपये अगर मैं मोदी का मैं जानता हूँ, अगर मैंने BJP वालों किसी पार्टी का मैंने 1 रुपया लिया हो, और किसके लिए मैंने काम नहीं किया, चाहे वो चौहान साहब हों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे अमिताभ बच्चन हों, चाहे वो जयललिता जी नहीं है, उनके नाम से रोज़ाना हमारा बंदर भोज चल रहा है, और 13 दिन उनके नाम से हम पौधा लगाएंगे, सब पैसा मांग के जांच के अपनी बेटियों से मैं पैसा लेके काम कर रहा हूँ,
कितने लोगों के किसके लिए मैंने नहीं किया। केजरीवाल के शुरुआती दौर में जब अन्ना हजारे के बगल में बैठे थे तब हमने समझा महान आदमी है, उसके लिए भी मैंने बंदर भोज किया था। किसके लिए नहीं काम किया? सुषमा स्वराज बीमार चल रही हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। हम सिर्फ सीखो आके समाज सेवा क्या है, मानवता क्या है, ह्यूमनिटी क्या है, उसकी पराकाष्ठा। मैं फिर एक शब्द मैं बोलूँगा, ह्यूमनिटी, मानवता, इंसानियत की। दुनिया वालों हमें आके जरा पराकाष्ठा बता दो बस, हम समझेंगे हमारा सारा पुरस्कार मिल गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।